तो चलो हम लोग क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एदर रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई बराबर सी बाई डी। दिस कंट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्रोडिक्शन। तो क्वेश्चन यह बोल रहा है क्या, पाई जो हम लोग बोलते हैं पाई बराबर सी बाय डी है, यानी कि सी बराबर क्या है, सी क्या क्या है, एक सर्किल है, सी किसको बोला जाता है, सर्कमफेरेंस को, और पाई ए डी डायमीटर को, ठीक है। तो यहाँ बोला जाता है पाई एक मेरा इरेशनल है, पाई क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर, और जो सी बाय डी मेरा है वो क्या है, सी और डी क्या है मेरा, रेशनल है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब पाई बराबर सी बाई डी है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई मेरा इरेशनल कैसे और सी बाई डी वो मेरा इरेशनल कैसे है। तो इस बात को कंट्राडिक्ट है ना, पाई का पाई बराबर पाई पाई का जो वैल्यू पाई जो है वो मेरा इरेशनल और सी बाई डी मेरा रेशनल नंबर है, तो और दोनों का वैल्यू बराबर है, तो ये कंट्राडिक्ट है, ये कैसे हो सकता है कि पाई इरेशनल है और सी बाई डी इरेशनल है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, सॉल्व ऐसे लिखेंगे हम लोग, समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। पाई का जो वैल्यू होता 22/7 मानते हैं ना हम लोग, ये हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि इतना मान के चलते हैं, ना कि इतना आता है, इसे कुछ कम बेसी आता है, तो जब इतना मान के चलते हैं तो ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, पाई का ओरिजिनल वैल्यू 22/7 नहीं, इतना हम लोग मान के चलते हैं। तो यही एक कारण है कि ये सी और बाय डी ये भी मेरा क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पर कंट्राडिक्ट क्या है, नो कंट्राडिक्ट, जो पहले क्वेश्चन में बोला था क्या कंट्राडिक्ट है, तो यहाँ लिखना है कि नो कंट्राडिक्ट बिकॉज जो सी बाई डी है वो मेरा रेशनल नंबर नहीं है, सी और डी इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, सी और डी मेरा क्या है, सी और डी क्या है, इरेशनल है, क्योंकि पाई इरेशनल है तो मेरा सी और डी भी इरेशनल ही आएगा, चूँकि 22/7 हम लोग पाई का वैल्यू नहीं, ये इसको हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यही आंसर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग देख रहे हैं, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, ड्रॉ ए लाइन लिखेंगे, क्या इसको लिखना भी है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट GMENT, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी बराबर 9.3 यूनिट, ये वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए ए बी हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, कितना सेंटीमीटर है, जो कि मेरा सेंटीमीटर यहाँ से आया था क्या 9.3 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसको, एंड एक्सटेंड टू सी सच दैट बी सी बराबर 1 यूनिट, ठीक है। फिर इसको क्या करें हम लोग, ए बी हम लोग लाइन खींचे, फिर हम लोग क्या करें, इस लाइन को बढ़ा देते हैं कहाँ तक, पॉइंट सी तक, क्योंकि सी बी सी मेरा कितना है 1 यूनिट, इसको हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग क्या करना, फाइंड लिखना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क इट्स एज ओ, है ना, फाइंड मिड पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट हम लोग को खोजना है, ए और सी के बीच में हम लोग मिड पॉइंट लेना है कि
क्या, और उसको क्या बोलना, ओ से हम लोग डिनोट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। उसके बाद क्या करना, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है एसी के बीच में। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करने से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्किल टेकिंग ओ एज अ सेंटर, टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड ओ एज रेडियस। तो क्या करना, ओ सी एगो मेरा स्केल से कंपास से आप लोग एक सर्किल को ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ से सेमी सर्किल, हाफ सर्किल, यहाँ से हाफ सर्किल को ड्रॉ करना है एसी से। ठीक है, हाफ सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, सेंटर को ओ को सेंटर मान के कंपास से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओ एज अ सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्किल टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड ओ ओ ए ओ, अरे मेरा क्या है, ये मेरा रेडियस है, सेंटर ये है, ये रेडियस है, ये सेमी सर्किल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। फिर लिखेंगे ड्रॉ, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी कि ए सी पर ये मेरा ए है और ये मेरा सी है, इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, कहाँ से बी पर परपेंडिकुलर डालते हैं, जो मेरा परपेंडिकुलर डालेंगे वो डी पॉइंट डी, बी डी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी लिख दिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे से लोग। क्या, फिर ड्रॉ करते हैं एक आर्क, फिर हम लोग को एक आर्क खींचना है, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग बी एज अ सेंटर, बी एज अ सेंटर, भाई हम लोग को एक आर्क खींचना है। ठीक है, और सेंटर किसको मानना है, इस बार बी को सेंटर मानना है। आर्क किसको बोला जाता है, आप लोग सर्कल में पढ़े होंगे, क्या ये एक सर्कल है। ठीक है, ये मेरा एक सेंटर है, ये मेरा रेडियस है, कि यहाँ भी रेडियस है, इसको भी आप रेडियस बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, हर जगह रेडियस है, इधर भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, कहीं से भी लेते हैं। तो मेरा जब पॉइंट ए बी है, ये मेरा ओ सेंटर है, तो ये जो मेरा ओ पी है ना, ये मेरा आर्क, इसी को बोला जाता है आर्क। ठीक है, इसी को बोला जाता है आर्क। तो यहाँ इसलिए बोला कि ड्रॉ एन आर्क टेकिंग बी एज ए सेंटर, इस बार बी को हम लोग को क्या मानना है, सेंटर, और वो आर्क हम लोग को खींचना है, आर्क बी एज ए सेंटर एंड बी डी एज रेडियस। जब मेरा बी सेंटर हो गया, ठीक है, तो सेंटर से कोई भी लाइन खींचते हैं तो मेरा रेडियस होता है, सेंटर वो मान लिए, तो यहाँ से वो आर्क के ऊपर, यहाँ पर सर्कमफेरेंस पे वो लाइन खींचे, उसको क्या रेडियस मानते हैं हम लोग, आर मानते हैं, आर कहा जाता है। तो बी मेरा सेंटर है और बी डी मेरा क्या है, ये मेरा रेडियस है। ठीक है, रेडियस मीटिंग एट डी, रेडियस मिल गया कहाँ, रेडियस मीटिंग एसी प्रोड्यूस एट ई। उसके बाद हम लोग बताते हैं आगे। तो हम लोग देखे थे प्रोड्यूस एट ई सच दैट बी ई बराबर बी डी बराबर रूट अंडर 9.3। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बी को सेंटर माने थे और बी डी क्या हुआ था, रेडियस, तो यहाँ देखे ओ को सेंटर माने थे हम लोग, ये एग्ज़ाम्पल है, ये क्वेश्चन का नहीं है, ये एक एग्ज़ाम्पल समझा रहे, रफ कर रहे हैं। ठीक है, ओ को सेंटर मान रहे थे तो ओ भी मेरा रेडियस था, तो क्या ओ ए भी मेरा रेडियस है, इधर भी मेरा रेडियस हो जाता, तो बी डी मेरा रेडियस है, तो ये बी और ई प्रोड्यूस हुआ
तो ई भी मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसको हम लोग मिला देते हैं इस प्रकार, है ना। तो इस तरह बी ई बराबर बी डी हो गया 9.3। तो ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा क्या नंबर लाइन है टोटल यहाँ पर। तो वही क्या बोला था क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो 9.3 बी ई मेरा बी डी मेरा क्या हुआ 9.3 हो गया। तो उसी को नंबर लाइन पे हम लोग दर्शा दिए। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि रेशनलाइज करना है, यानी कि रेशनल बनाना है किसको, डिनोमिनेटर। ये मेरा क्या हो गया नंबरेटर, और ये मेरा क्या हो जाता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब रेशनल बनाना है। तो क्या 1 मेरा रेशनल, और ये अंडर रूट 7 क्या हो जाता है मेरा इरेशनल। तो ये इरेशनल मेरा किस में, नीचे मतलब डिनोमिनेटर। तो इसी को हम लोग क्या करना है, रेशनलाइज बनाना है, रेशनल बनाना है डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व लिखेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/√7। तो गुना करेंगे क्या, अंडर रूट 7 को नीचे भी गुना करेंगे और क्या ऊपर भी गुना करेंगे। अब हम लोग क्या मैथ का नियम है, कोई भी चीज़ लिखा है मान के 6 लिखा है, तो इसमें 5 से नीचे गुना भी करेंगे और 5 से नीचे भागा भी करेंगे, तो कट के 1 आएगा। टोटल मेरा 6 ही लिखा हुआ है, टोटल मेरा पहले भी मेरा 6 था और 5 से गुना भी किया और भागा भी किया, तो भी मेरा 6 ही, क्योंकि 5 कट जाएगा 1 बार में और 6 × 1 = 6 ही होगा। तो इसको भी देखिए कट जाएगा और यही बचेगा। तो इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, है कि ना, क्यों, क्योंकि हम लोग को रेशनल बनाना है इसीलिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, उसका भी जवाब मिल गया। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करें क्या, 7 × √7 × √7 क्या होता मेरा 7 ही होगा, और क्या ये 7 × √7 × 1 = √7/7। ये मेरा क्या हो गया, देखो डिनोमिनेटर ये नीचे वाला है, ये मेरा 7 क्या है रेशनल, तो रेशनल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा।